सहारनपुर के देवबंद सर्किल के बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव सिसोनी निवासी दबंग व्यक्ति ने विद्युत विभाग के जेई को गालियां देते हुए बीच सड़क पर जिंदा जलाने और काट देने की धमकी दी है। साथ ही स्थानीय विधायक व प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह को मौसा बताते हुए मंत्री के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, दबंग ने मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। दबंग ऑडियो में ये तक कहता दिख रहा है कि वो किसी भी मंत्री की कुर्सी और पद तक छीन सकता है। इस पूरे मामले का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर ब्रज गोपाल सिंह अवर अभियंता विद्युत विभाग ने दबंग आरोपी राजेश राजपूत के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जी सर, 1 लाख से ऊपर का बकायेदार था सिसोनी में, कनेक्शन था सपना राजपूत के नाम से और वाइफ ऑफ राजेश राजपूत, तो उसका 1 लाख से ऊपर का बकाया था और विभागीय नियमानुसार जो बड़े बकायेदार हैं उनका डिस्कनेक्शन होना था, तो मैं अपनी टीम के साथ जाकर उसका डिस्कनेक्शन किया गया। मैंने डिस्कनेक्शन करने के बाद लगातार संविदा कर्मियों पर दबाव बनाया गया कि मेरा कनेक्शन जोड़ दीजिए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो फिर उसके बाद कई दिन हो गए लगातार, फिर मेरे पे एक दिन फोन आता है 12 तारीख को, फिर कई सारे माननीय मंत्री जी को भी गाली दी जाती है, मुझे भी गाली दी जाती है, मारने की धमकी दी जाती है, काफ़ी गाली गलौज की जाती है, और यही प्रकरण था और इसमें मैंने FIR भी दर्ज करा दी है और सभी अधिकारियों को मैंने सूचित कर दिया गया है। थाना बड़गांव में एक विद्युत विभाग के जेई ने तहरीर दी है जिसमें कि उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ उनको फ़ोन पर धमकाने का आरोप लगाया है। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है, FIR दर्ज कर व्यक्ति की जानकारी की जा रही है। फिलहाल वो व्यक्ति फरार है और पुलिस टीम उसके पीछे लगी है और शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।